स्वागत है और हम सब की तरफ से आप सबको ढेर सारी मुबारकबाद। किस लिए भाई? चंद्रयान 3 के लिए, लॉन्च के लिए। और भाई कल एक हिस्टोरिकल डे था, सो मैंने भी जो है वो मोमेंट देखा था जब लॉन्च हुआ था, मैंने भी देखा था। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे साथ जो लाइव टेलीकास्ट है वो भी शेयर किया। काफी सारी हमें ईमेल भी रिसीव हुई थी उससे रिलेटेड, और जो वीडियो हमें सजेस्ट की गई है वो डेफिनेटली हम आपके साथ बैठकर देखेंगे। क्या है टाइटल बताएंगे मौजम? टाइटल है इंडिया लॉन्चेस चंद्रयान 3 मिशन, कैन इंडिया बिकम फोर्थ स्पेस सुपर पावर। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें, इनके चैनल को उसके लिए लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। पूरी दुनिया का मीडिया आज के समय एक ही टॉपिक पे बात कर रहा है, भारत का चंद्रयान 3 मिशन क्या ये सक्सेसफुल होगा, क्या इंडिया हिस्ट्री में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से एज ए स्पेस सुपर पावर दर्ज कर पाएगा या नहीं। नाउ यहां पर आप देख पाओगे सीएनएन का आर्टिकल है, इंडिया लॉन्चेस हिस्टोरिक चंद्रयान 3 मिशन। उसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे चंद्रयान 3 के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स इसके बारे में लिख रहा है। दुनिया भर में आप देखोगे ना इस पर चर्चा हो रही है, और आने वाले 40 दिन ना बिल्कुल एक्साइटमेंट से भरे होंगे। दिल ऑलमोस्ट आप कह लीजिए धक धक कर रहा होगा, क्योंकि देखिए अभी तो चंद्रयान 3 टेक ऑफ हुआ है, धरती से ये अब अंतरिक्ष की तरफ बढ़ चुका है, मगर ये मून के सरफेस पर अपने लैंडर अपने रोवर के साथ पहुंचेगा अगस्त 23 से लेकर अगस्त 24 के आसपास। तो हमारे पास अभी 40-41 डेज का इंतज़ार है। जी हाँ, पेशेंटली हमको वेट करना होगा। धीरे धीरे चंद्रयान 3 पहुंचेगा मून की तरफ, और उम्मीद है कि इस बार हम लोग सक्सेसफुल हो जाएं। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 3 के अलावा और कौन कौन से मून मिशन आने वाले हैं ये हम जानेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि यूएसए इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है चंद्रयान 3 में, ये क्लोजली फॉलो क्यों करेंगे इस मिशन को। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन में रफली कितना खर्चा आया है, इस मिशन की कॉस्ट क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 615 करोड़ रुपए, 2002 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, या फिर 69 करोड़ रुपए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा, तो सबसे पहले ना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये फोटो अपने आप में हिस्टोरिक है। ये लुखोद वन का रेप्लिका है। लुखोद वन पहला ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया गया एक रोवर था। जी हाँ, ये रोवर यूएसएसआर जो आज के समय रशियन फेडरेशन बन चुका है, रशियंस ने लॉन्च किया था मून की तरफ। और यहाँ पे आप देख पाओगे कितने नाजुक पहिए हैं इसके, बट इन पहियों के साथ भी लुखोद वन मून के सरफेस पे चला था, और इसी के साथ यूएसएसआर ने यूएसए को बीट कर दिया था मून पर एक रोवर उतारने के कंपटीशन में। जी हाँ, कई लोग सोचते हैं कि सिंस नील आर्मस्ट्रांग पहुंच गए थे मून पर तो उसके बाद यूएस हर जगह आगे निकल गया होगा, मगर नहीं, यूएसएसआर ने काफी जगह यूएसए को बीट किया था। खैर, लुखोद वन के बाद आप देखोगे तो फिर अमेरिकन्स ने भेजा अपना भारी भरकम अपोलो लूनर रोविंग व्हीकल। ये अमेरिकन्स ने मून पर उतारा था 1971 में। जो यूएसएसआर का लुखोद वन था ये 1970 में मून के सरफेस पर चला था, और यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन्स ने इतना बड़ा रोवर उतारा कि लिटरली इस पर सीट्स हैं एस्ट्रोनॉट्स के बैठने के लिए। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स लिटरली इस रोवर पर बैठकर मून के सरफेस पर चल चुके हैं। नाउ ये सब हुआ था 1970s, कमाल का डेकेड था 70s। उसके बाद हम आते हैं सीधा 2010 के बाद, तो 2016 में चाइना ने अपना U2 रोवर मून के सरफेस पे उतार दिया। ये भी चाइना के लिए ऐतिहासिक था, पहला एशियन कंट्री जो मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पहुंच गया। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया चौथा देश बन सकता है, क्या हम फाइनली ये अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 बहुत हद तक सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि आप अगर चंद्रयान 2 से इसको कंपेयर करोगे ना तो चंद्रयान 2 बहुत कॉम्प्लेक्स था, काफ़ी मुश्किल मिशन था। चंद्रयान 2 में इंडिया का प्लान ये था कि इकट्ठा ना हम मून पर एक ऑर्बिटर जो मून को ऑर्बिट करेगा ये लॉन्च करेंगे, साथ में उसी ऑर्बिटर से कनेक्टेड होगा एक लैंडर, और लैंडर के अंदर होगा एक रोवर।
अमेरिकन्स ने भी देखा था इसको और ये कहा कि ये मिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इंडिया ने एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क लिया है और हम लोग ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो ही गए थे, वी वर दैट क्लोज। लास्ट मोमेंट पर जो लैंडर था ये प्रॉपरली लैंड कर नहीं पाया, मून के सरफेस पर क्रैश कर गया, मगर रोवर आज भी प्रॉपरली काम कर रहा है। तो चंद्रयान 2 में आप कह सकते हैं कुछ सक्सेस मिली, कुछ फेलियर्स भी साथ में लगे, 100% सक्सेसफुल मिशन नहीं था ये। मगर इस बार चंद्रयान 3 में मिशन ज़्यादा सिंपल है, इतना जटिल नहीं है जितना चंद्रयान 2 में था, क्योंकि चंद्रयान 3 में ना कुछ ऐसा नहीं है कि पहले रोवर ऑर्बिट स्टार्ट कर देगा, उससे डिटैच होगा लैंडर, वो पहुँचेगा मून के सर्वेस पर, नहीं, सीधा जो भी पेलोड है वहाँ पे एक लैंडर है। आज के समय इसरो का एक ही टारगेट है चंद्रयान 3 के अंडर के मून के सरफेस पर एक लैंडर, विक्रम लैंडर, उसको लैंड करना है। फिर विक्रम लैंडर का जो दरवाज़ा है खुलेगा और अंदर से निकलेगा प्रज्ञान रोवर और 14 दिनों तक ये रोवर मून के सरफेस पर चलेगा। अब यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आएगा कि मैंने कहा था कि यूएस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा चंद्रयान 3 को लेकर, तो इसका रीज़न क्या है? रीज़न आपको समझाता हूँ ना, एक सेकेंड के लिए यहाँ पर देखो, ये धरती पर अगर हम जूम इन करें, ये यहाँ पर है प्लैनेट अर्थ। नाउ प्लैनेट अर्थ का जिस तरीके से नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नॉर्थ पोल ऊपर जहाँ पे आर्टिक है, नीचे साउथ पोल जहाँ पे एंटार्क्टिका है, उसी तरीके से मून का भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पे अगर मून को हम देखें तो मून का ऊपर ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो चंद्रयान 3 कहाँ पे लैंड करेगा? मून के साउथ पोल में। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न देखिए, ये माना जाता है कि मून का जो साउथ पोल है यहाँ पर पानी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्थ पोल। नाउ जब मैं पानी कहता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि झील बह रही है, नदियाँ बह रही है, ज़्यादातर क्रिस्टलाइज्ड आइस फॉर्म में होता है पानी यहाँ पर। तो इसलिए साउथ पोल में हम लोग अपना मिशन भेज रहे हैं, चंद्रयान 3 भेज रहे हैं। नाउ नासा यहाँ पर इंटरेस्टेड इसलिए है चंद्रयान 3 के डेटा को लेकर क्योंकि अर्टेमिस मिशन के अंडर नासा भी जो अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा ना मून पर, वो भी साउथ पोल में ही भेजने वाला है। और हाँ, कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि इंडिया भी क्या यूएसए के साथ मून पर जाएगा, तो देखिए इंडिया ने अर्टेमिस अकॉर्ड साइन किए हैं, जैसे मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इंडिया ने अर्टेमिस अकॉर्ड साइन किए हैं, ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर होते हैं, तो इंडिया को कोई यहाँ पर बंदिश नहीं है कि हमें भी यूएस के साथ जाना पड़ेगा या उनके मिशन का पार्ट बनना पड़ेगा। मगर यूएसए ने, व्हाइट हाउस ने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये कहा है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ये लोग इवेंचुअली चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी लेके जाएं। तो इसलिए चंद्रयान 3 का जो पेलोड, जब मैं पेलोड कहता हूं तो मतलब कि कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं चंद्रयान 3 में, तो चंद्रयान 3 का जो रोवर है प्रज्ञान रोवर, उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, और भी इक्विपमेंट है मगर ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है APXS और दूसरा है LIBS, ये इसकी फुल फॉर्म है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। नाउ इन दोनों इक्विपमेंट का काम ये होगा कि मून के सरफेस की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ये स्टडी करे, जो लूनर सॉइल है, जो मून की सॉइल है, इसको स्टडी करे, और वो सब डेटा इंडिया के पास आएगा। इस डेटा को लेकर यूएस बहुत ही इंटरेस्टेड होगा क्योंकि इसी एरिया के आसपास इनके एस्ट्रोनॉट्स उतरेंगे। ना सिर्फ उतरेंगे, यूएसए तो चाहता है कि यहाँ पर एक प्रॉपर लूनर बेस बनाया जाए, तो इसलिए यूएस बहुत ही इंटरेस्टेड है चंद्रयान 3 को लेकर। और उस सब के अलावा अगर हम लॉन्च कैपेसिटी की बात करें, मैं देख रहा था जब चंद्रयान 3 की लॉन्च वीडियोस दुनिया भर में वायरल हो रही थी तो कई अमेरिकन्स ने ये कहा कि थ्रस्ट कमाल का है, जिस स्पीड से चंद्रयान 3 ने टेक ऑफ किया है ना, ये कमाल का है। तो मैं इसका रीज़न आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं LVM3 को। इससे पहले चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए हमने यूज़ किया था GSLV MK3 का। LVM3 देखिए GSLV सीरीज से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी है इसकी, और पर लॉन्च के अगर एक बार आपको LVM3 से अंतरिक्ष में कुछ पहुंचाना है, चाहे सैटेलाइट पहुंचानी है, कुछ आपको दूरबीन पहुंचानी है, कुछ भी आपको पहुंचाना है अगर अंतरिक्ष में, तो एक लॉन्च की यहाँ पर कॉस्ट आती है 500 करोड़ रुपये। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा यहाँ पर कि कितना खर्चा आया है चंद्रयान 3 मिशन में। और फाइनली आप में से कुछ लोगों का एक सवाल ये भी हो सकता है कि आज के समय बात की जा रही है कि चंद्रयान 3 के तुरंत बाद रशिया भी एक मून मिशन लॉन्च करेगा लूना 25 के नाम से। इसको लेकर कुछ लोगों ने मीम्स भी बनानी स्टार्ट कर दी, जहाँ पर इंडिया का चंद्रयान 3 घूर रहा है रशिया के लूना 25 को। तो मैं वैसे आपको बता दूँ, हमें लूना 5 को देख कर कहीं से भी नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं से अगर हमारे मिशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो रशिया सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर से हमें अजीब लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रशिया का मिशन कम्प्लीटली डिफरेंट है।
हमारा मिशन क्या है, पहले लैंडर लैंड करेगा, उसके बाद लैंडर से निकलेगा एक रोवर। रशिया का जो मिशन है ये डिफरेंट है, ये प्राइमरली बस एक लैंडर को ही लेके जा रहे हैं, इसमें कोई रोवर नहीं होगा। तो लूना 25 कम्प्लीटली डिफरेंट है। कुछ खास कंपटीशन मैं नहीं कहूँगा कि इंडिया रशिया का है, इवन इसके बाद जो जापान का भी मिशन आएगा वो भी काफ़ी डिफरेंट है, बट अभी के लिए बस हमें इंतज़ार करना होगा। 40 डेज का वेट है, 40th या फिर 41st डे में हमको पता लग जाएगा कि चंद्रयान 3 किस तरीके से लैंडिंग करता है मून पर। और मैं आपको ये बता दूँ, इंडिया का रोवर जब मून पर चलेगा ना, तब आप देखिएगा दुनिया कैसे सेलिब्रेट करती है, इंडिया को कहां कहां से कॉन्ग्रेचुलेशन आएंगी। बाइडन, मैक्रॉन, पुतिन सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे इंडिया को, और इंडिया की एक नई इमेज दुनिया में आएगी। दुनिया भर के लोगों को पता लग जाएगा कि इंडिया के पास अब ये काबिलियत है कि हम मून पर प्रॉपरली एक रोवर चला सकते हैं। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार है और उसके बाद हम सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करेंगे, होपफुली मिलकर इस बार सेलिब्रेट करेंगे। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि चंद्रयान 3 मिशन की कॉस्ट क्या है। मैंने आपको बता दिया कि जो इसका बस लॉन्च करने का ही खर्चा है वही 500 करोड़ रुपए है, बाकी 115 करोड़ रुपए की जो कॉस्ट आई है ये यहाँ पर लैंडर और रोवर बनाने की, तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे हमारी हो गई 615 करोड़ रुपए रफली, ये कॉस्ट है चंद्रयान 3 मिशन की। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल चल रही है इस वक्त। यूजुअली अनअकैडमी का डिस्काउंट होता है 10%, आज के समय ये डिस्काउंट बढ़ के 50% हो चुका है। आप चाहें तो UPSC कोर्स कर सकते हैं परचेज अनअकैडमी का, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा UPSC कॉम्बो का, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का UPSC कॉम्बो कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आप रुक कर प्रॉपरली UPSC एग्ज़ाम का एक अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। 2500 रुपये पर मंथ में आप UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। भाई कल चंद्रयान 3 की जो है लाइव जो है फुटेज वो मैंने देखी, फिर उसके बाद जो है जो लोगों ने भी शेयर की हुई थी डिफरेंट डिफरेंट वो भी मैंने देखी, तो उसे देख कर भाई मैं ये कह रहा था, सोच रहा था कि भाई इंडियंस के लिए वाकई एक बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि लिटरली ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया का मीडिया जो है उस एक चीज़ को जो है वो कवर कर रहा था। बिल्कुल, और मैं मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, इंडियंस का जोश, यानी कि जब हम लोगों ने चंद्रयान 2 के टाइम में भी देखा था कि लोगों ने कितना जोश और जज्बा दिखाया था, चंद्रयान 3 में भी आपको वही एक जोश और जज्बा नजर आ रहा था। और आप जब लाइव टेलीकास्ट देखते हो, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब इस तरह से लाइव फुटेज देखी थी, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने व्लॉग देखा था अगर याद होगा फ्लाइंग बीस्ट का। सो इस मतलब मैं देख रही थी कि किस तरह से बादलों के ऊपर से होता हुआ, मतलब बहुत ही एक डिफरेंट उसका एक नजारा यार था। यार वो जो जितने भी लोग बैठे होंगे ना, बेशक वो घरों में बैठ कर देख रहे हों या वहाँ पर जो लॉन्च स्टेशन के पास जो जगह बनाई गई थी वहाँ पर बैठ कर देख रहे हों, मैं कहूँगा लिटरली एक वो ऐसा मोमेंट था ना कि आप जो है ना अपने आप पर जो है गर्व महसूस करते हैं, ठीक है, आपको प्राउड फील होता है कि भाई आपका कंट्री जो है वो बहुत आगे जो है वो जा रहा है। अब जैसे जो है कुछ ही दिनों बाद अप्रोक्सीमेटली 39-40 डेज बाद जो है जो चंद्रयान है उसका जो लैंडर है वो चांद पर लैंड हो जाएगा, फिर वो एक अलग मोमेंट होगा। मैं बिल्कुल प्रशांत सर की बातों से एग्री करूंगा कि भाई दुनिया भर से तो आपको मुबारकबादें आएंगी आएंगी, लेकिन उसके अलावा जो एक वर्थ बन जाएगी इसरो की, खासतौर पर जो साउथ पोल पर लैंड करके जो डाटा कलेक्ट करेगा उसकी वजह से, तो भाई वो भी जो है ना एक गर्व महसूस करने वाली बात होगी सारे इंडियंस के लिए। हमेशा ये बात बोलती हूँ कि भाई ये एक सिर्फ एक कंट्री की आपको अचीवमेंट नहीं होती, इसमें पूरी दुनिया के लिए फ़ायदा होता है। जैसे कि नासा के आगे प्रोजेक्ट्स हैं कि उनके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी साउथ पोल पे जाकर मज़ीद आगे रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ के मिशन होते हैं, मुझे लगता है किसी एक का सक्सेसफुल होता है उससे बाकी सारी जो स्पेस एजेंसीज हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आपको इतनी सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। मैं सोचती हूँ कि देखो कहाँ पे जमाना आ गया है कि चांद पर जाकर जिस तरीके से एक रिसर्च हो रही है वहां पर डिफरेंट आप कह लो कि रिसोर्सेज जो हैं उनको उनकी खोज की जा रही है और वहां से इतनी ज्यादा चीजें मिल रही हैं। वैसे जब 1970s के एरा के बारे में बात की जा रही थी ना, तो पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया था, पिक्चर्स भी सामने थी कि जो चांद है उसकी सरफेस कितनी बड़ी होती होगी, मतलब माइंड में ऐसे एक
क्वेश्चन यार ये तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया की चांद की पता नहीं पता, लेकिन मैं एक वैसे बात कर रही हूँ कि देखो जैसे रोवर देखा 1970 में रोवर फर्स्ट टाइम जो है इतना बड़ा अमेरिका ने लॉन्च किया, और फिर उस टाइम पर यू नो जैसे एस्ट्रोनॉट बीच में बैठकर उन्होंने एक चक्कर भी लगाया, तो वो कितना लंबा चक्कर होता होगा यार नहीं मालूम मुझे, ये तो आप ही बताइएगा मुझे पढ़ने के बाद में। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगी भाई, देखें जिन मुल्कों ने तरक्की करनी होती है ना बेशक वो लिमिटेड बजट्स के साथ करें, वो जो है वो काम करते हैं। अभी इंडिया की यहाँ पे एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के सामने, इसमें कोई शक नहीं कि भाई 615 करोड़ एक बजट है, लेकिन अगर आप दूसरे जो है स्पेस एजेंसी से जो है कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको लिमिटेड बजट में जो है दिखाई देता है। फिर मैं यहाँ पर भाई ये बात करूँगा कि मैं लाइव जो मैंने देखा था ना उसमें भाई लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो लाइव लॉन्च जो है वो देख रहे थे, तो यहाँ से भाई आपको पता चल रहा है कि आपके कंट्री के जो लोग हैं उन्हें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि भाई उनके मुल्क में कोई अच्छी चीज़ हो रही है। अच्छा, और तुम ये भी देखो कि मतलब 615 करोड़ का भी अगर बजट है तो स्टिल हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी मूवीज से कम बजट है भाई। मुझे लगता है हॉलीवुड की मूवीज से तो कम ही बजट हमेशा रहता है इसरो का, और वो हमेशा सक्सेसफुल भी जो है आपको दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ी मतलब मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करने वाली बात है कि जो चंद्रयान 2 है मतलब उसी को यूटिलाइज करके चंद्रयान 3 जो है वो बनाया गया है। भाई देखें आपने रिसोर्सेज है उसको वेस्ट नहीं किया गया बल्कि रीयूज किया गया, आपने जो है अपने फेलियर से जो है वो चीजें सीखी है। ठीक है चले, आपने चंद्रयान के साथ जो 2 था उसके साथ आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है वो फेल हो गया, लेकिन उससे जो है आपको बेनिफिट भी बहुत ज्यादा जो है आप जैसे जो है रोवर लैंड करेगा, फिर उसका प्रज्ञान जो है रोवर जो है विक्रम जो लैंडर है वो लैंड करेगा, प्रज्ञान रोवर जो है जब चांद की सर्फेस पे चलेगा तो कोई शक नहीं भाई वो भी एक बहुत प्राउड मोमेंट होगा, लेकिन वहां से जो डाटा कलेक्ट करेगा भाई पानी के बारे में डिफरेंट मिनरल्स के बारे में वहां पे अगर लाइफ एग्जिस्ट कर सकते है उसके बारे में, या इन फ्यूचर अगर वहां पर आप कंस्ट्रक्शन किसी तरह की करना चाहते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है तो उसके लिए भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है हम मूवीज जब देखते हैं ना हॉलीवुड की उसमें आपको जो है ना ये चीज दिखाई देती है कि चांद पे कलोनियां जो है वो बसाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो चीजें आपको जो है ना अब टाइम के साथ रियलिटी होती हुई दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में आपको चांद पर जो है इंसान दिखेंगे, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड मूवीज होती हैं और हम बिल्कुल सिर्फ मूवी की हद तक लेते हैं, बट अब तो खैर हम मूवी की हद तक भी लेते हैं और हम सोचते हैं नहीं ये इन फ्यूचर चीजें हमारे सामने होने वाली हैं। बाकी मैं कहूंगी कि अभी अगर आज की बात करें तो आई थिंक 39 या 40 डेज, क्योंकि 23rd या 24th अगस्त को बोला जा रहा है कि लैंड करेगा, सो अभी उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, और आज से हम लोग भी काउंट करेंगे कितने दिन रह गए हैं। और लिटरली मैं तो वो क्या नाम लेते हैं जब न्यूज आएगी कि जमीन के ऑर्बिट से जो है बाहर निकल चुका है, ठीक है, और अब जो है चांद के ऑर्बिट में एंटर होने वाला है, वो भी जो है एक बहुत एक्साइटिंग जो है मोमेंट हो गया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं चैलेंजिंग बहुत ज्यादा रहता है, बहुत सारी चीजें जो है फेस करनी पड़ती है, वो जो इसरो के ऑफिस में जो लोग बैठे हुए हैं तो आपको बहुत कुछ जो है वो फेस करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब आपको कामयाबी मिलती है ना तो आप बहुत ज्यादा प्राउड जो है वो फील करते हैं। लिटरली मुझे जो है ना ये चीज फील हो रही है कि इंडियंस जो है ना वो इस चीज को लेकर कितना प्राउड होंगे, क्योंकि जब कल हो गया था ना चंद्रयान उसके बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे स्टेटस, आप अगर बात करें आपको देखने को मिल रहे थे तो बहुत ज्यादा लोग प्राउड फील कर रहे थे। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एक बहुत एक लंबे अरसे से आपकी मेहनत जो है वो रहती है, और फिर ओवरऑल अगर देखो तो आपकी अगर जो जनता है उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट है और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है टैक्स की फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं पर उनका भी बहुत ज्यादा एक हम कहेंगे कि कंट्रीब्यूशन रहता है जो गवर्नमेंट के मिशन होते हैं या उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं। और मैं मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ना जो हिम्मत वाली एक अभी एक हम कहेंगे ना कि सिचुएशन वो इसरो के जितने भी साइंटिस्ट और उनका जितने भी उनके हम कहेंगे कि वर्कर्स हैं उनके लिए, क्योंकि जो बीच में 40 डेज का 39 डेज का अब गैप है वो उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही पेशेंटली उनको जो है सही बात सबर वाला इसरो के लिए भी जितने भी दुनिया के वैज्ञानिक हैं उनके लिए भी और इंडियन पब्लिक के लिए भी हाँ, बट
पता क्या, देखो हम तो अपनी डेली रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं पे फिर भी बिजी हो जाते हैं, लेकिन जो एक कंसर्न डिपार्टमेंट होता है मुझे लगता है कि उनका वो बिजी नहीं रहता, उनका दिमाग इस सेट पर ज्यादा रहता है कि कोई न्यूज है कोई न्यूज है। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोग में से जिस जिसने लाइव टेलीकास्ट देखा कैसा फील हो रहा था उस मोमेंट में, क्या आप लोगों के एक्सप्रेशन से एक्साइटमेंट लेवल क्या था, घर वालों से क्या डिस्कशन हो रही थी, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में। गुड बाय।